पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। यूपी के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया। धनंजय सिंह पर जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण और उन्हें धमकी देने का आरोप है। दरअसल पचहटिया स्थित जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंगल ने लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ तहरीर देकर अपहरण और धमकी देने का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और जौनपुर पुलिस की एक टीम ने रविवार की देर रात धनंजय सिंह के जौनपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। पुलिस टीम ने आवास से पूर्व सांसद के साथ ही विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने थाने में ही मेडिकल परीक्षण के बाद धनंजय सिंह को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने पूर्व सांसद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो यहाँ जौनपुर में एसटीपी का कार्य कर रही है। इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने सूचना दी कि कल कुछ गुंडे उसको गाड़ी में डालकर उठा करके ले गए और धनंजय सिंह के घर पर लेके गए। वहाँ जाकर धनंजय सिंह ने इसको पिस्टल दिखाई, डराया, धमकाया और कहा कि जो सप्लाई है इसमें वो सप्लाई हमसे लो। उसने यही बताया कि धनंजय सिंह ने उसके जो मालिक है उसको भी फ़ोन किया, उसको भी वहाँ धमकाया और उसके पश्चात एक जेई है जल निगम के उसको भी वहाँ बुलाया, उसको भी सप्लाई में मदद करने के लिए कहा गया। इस सूचना के आधार पर थाना लाइन बाजार में पंजीकृत किया गया, इसमें धनंजय सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे विधि कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर धनंजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार देते हुए प्रदेश के राज्य मंत्री गिरीश यादव को इसका जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट से निकलते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री ने राजनीतिक द्वेष और उनकी लोकप्रियता के चलते फर्जी केस दर्ज कराया है। 2017 में मंत्री बनने के बाद से ही इन्होंने भ्रष्टाचार किया, चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। की जांच करवाएंगे लोकायुक्त से। ये यहाँ पर जितने ठेकेदार एसटीपी है इसका विवाद बहुत पहले से चल रहा है। जिले के डेवलपमेंट को लेके हमने एक ऑडिटोरियम यहाँ स्वीकृत कराया था, सिर्फ ठेकेदारी के विवाद में उसको कैंसिल कराया यहाँ से। उसके बाद एसटीपी प्लांट के जितने इसके अपने ठेकेदार, जब नगर विकास मंत्री था तो इस आदमी ने सब सारे काम किए यहाँ पे करप्शन के। आप लोग इस जनपद के रहने वाले हो, 2017 से पहले उसकी पोजीशन देख लीजिए और अभी आप जाके तीन साल भी हुए सरकार में, उसको 3 सालों में आप देख लीजिए 100 करोड़ की संपत्ति बना के खड़ा हुआ है। लोकायुक्त से जांच भी करवाएंगे और चूंकि उसके गलत कामों का हम विरोध करते हैं और निरंतर जब से कोविड-19 यहाँ पे प्रकोप आया है तब से निरंतर लास्ट 50 डेज से हमारे लोग एमएलसी विजय सिंह प्रिंसू जी और हमारे जितने क्षेत्र के हमारे समर्थक कार्यकर्ता साथी हैं, सहयोगी हैं, लत के लोगों की सेवा कर रहे थे जनपद में, जिले में। एक भयभीत था कि ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में इसको बड़ी दिक्कत होगी और निश्चित रूप से दिक्कत होगी, जनता जवाब देगी इसको अगला चुनाव। टोटली व्यक्तिगत है, कहीं कोई विषय नहीं है। और जिस तरीके से आप FIR पढ़ लीजिए, जिस तरीके से धाराएं लगाई गई हैं, टोटली मलिफाइड इंटेंशन है गिरीश यादव और यहाँ के SP की मिली भगत से इस तरीके का काम हुआ। इतना बड़ा आरोप आपको अगला कदम आपका क्या उठाएगा? अरे हम न्यायपालिका से तय कर देंगे, न्यायपालिका तय कर दे, खुद ही FIR कहीं स्टैंड नहीं करने वाला है। अभी कल DG साहब की डेट पड़ेगी, अपने आप भी डिसाइडेड, हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे। धनंजय सिंह की गिनती पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में होती है। पहले जिले के रारी सीट से विधायक और बाद में 2009 से 2014 तक जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा के सांसद रहे। इसी दौरान बसपा का विरोध करने पर मायावती ने उन्हें एक मामले में गिरफ्तार करा दिया था। लॉकडाउन के दौरान धनंजय लखनऊ में थे, पिछले दिनों ही वो जौनपुर लौटे थे। पंजाब केसरी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।